बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ताहिर महमूद। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, केमिस्ट्री 9th चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 12। आज पढ़ेंगे हम टेस्ट योरसेल्फ 4.3 और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। टेस्ट योरसेल्फ 4.3। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटैलिक बॉन्ड्स। तो मेटैलिक बॉन्ड्स कौन बनाता है, पहला क्वेश्चन है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटैलिक बॉन्ड्स बनाते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटैलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जस्ट मेटल्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है, मेटैलिक बॉन्ड क्या पाया जाता है, मेटैलिक। मेटल्स जो हैं जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये मेटल्स हैं, इनके अंदर मेटैलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इन मेटल्स की जो ख़ास ख़ास खसूसियात होती हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेटैलिक बॉन्ड होती है। देखिए, मेटल्स की ख़ास खसूसियात हैं, मेटल्स बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। जैसे आयरन है, आप देखते हैं आयरन कितनी हार्ड है और कितनी उसकी काम की चीज़ है, हर चीज़ उससे बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें आयरन की बनी हैं। तो आयरन की जो ख़ास ख़ास खसूसियात हैं वो क्यों हैं, बिकॉज ऑफ मेटैलिक बॉन्ड। और मेटैलिक बॉन्ड से मेटल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स के एटम लार्ज साइज होते हैं, बिग साइज होते हैं। बिग साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टेंस ज़्यादा है, फासला ज़्यादा होता है। यानी जो न्यूक्लियस होता है और जो वैलेंस शेल लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये लूजली बाउंड होता है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली बाउंड, यानी न्यूक्लियस की इतनी पकड़ में नहीं होता, वो लूजली बाउंड होता है दूर होने की वजह से। ठीक, तो अभी लूजली बाउंड होगा तो यह आवारागर्दी करता है, ये इलेक्ट्रॉन आजादाना तौर पर तमाम एटम्स के वैलेंस शेल में घूमता फिरता रहता है, और जिस वजह से उन एटम्स की आपस में अट्रैक्शन हो जाती है, इसी अट्रैक्शन को कहते हैं मेटैलिक बॉन्ड। तो मेटैलिक बॉन्ड जस्ट मेटल्स में पाया जाता है, जस्ट मेटल्स में प्रेजेंट होता है मेटैलिक बॉन्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना किसी मेटल के आखिरी शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों उतनी ज़्यादा उसमें मेटैलिक बॉन्डिंग होती है, और जितनी ज़्यादा मेटैलिक बॉन्डिंग हो उतनी हार्ड कोई चीज़ होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल्युमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्ड किस में होगी, एल्युमिनियम में, उसके बाद मैग्नीशियम में, और सबसे हल्की सोडियम में। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्ड होती है, और जितनी स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्डिंग हो उतनी हार्ड वो चीज़ होती है। अब कौन इनमें सबसे ज़्यादा हार्ड है, एलुमिनियम सबसे हार्ड है, दूसरे नंबर है मैग्नीशियम, और सबसे सॉफ्ट कौन है, सोडियम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स वीक। क्या मेटल्स के केस में होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की पकड़ बहुत कम होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, क्यों? अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि मेटल्स बड़े साइज के होते हैं, मेटल के एटम्स क्या होते हैं, बड़े साइज के, इसी वजह से न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं होता वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की जो पकड़ होती है, न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है, असर है, न्यूक्लियस का असर बड़ा कम पड़ता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये लूजली बाउंड होता है। ठीक, तो मेटल्स के केस में मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है, वजह क्या है, बिग साइज होने की वजह से और लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से। बिग साइज, मेटल के एटम बिग साइज होते हैं और क्या होता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इन वजूहात की वजह से जो मेटल्स हैं उनमें होल्ड ऑफ न्यूक्लियस जो है ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर
न्यूक्लियस की पकड़ बड़ी कम होती है साइज बड़ा होने की वजह से और लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होने की वजह से। तो इनके आंसर्स आप लिख लेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा उस पर के मैंने आपको कर दिए हुए हैं इनके आंसर सेंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो वहाँ से आप प्रॉपरली याद करेंगे। व्हाई द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल्स, मेटल्स में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्रीली मूव करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। व्हाई द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल्स, मेटल्स में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्यों आजादाना तौर पर हरकत करते हैं, वही वजह है कि मेटल्स का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से मेटल्स में जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। मेटल का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से साइज बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उससे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो दूर होते हैं। तो अगर दूर होंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस उन तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो आज़ादाना तौर पे फ्रीली आवारागर्दी करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल्स, वो कह रहा है कौन से इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन द मेटल्स। मेटल्स में एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, मेटल्स में मेटल जैसे आयरन है, आयरन के अंदर देखिए आयरन के बहुत सारे एटम्स हैं, वो आपस में स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्यों जुड़े होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं मेटल के अंदर एटम्स को जोड़ के रखने के। तो स्टूडेंट कौन से एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो काम करते हैं मेटल्स में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मेटल्स के केस में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन केस ऑफ मेटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं कि एटम्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, आपस में होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई अ डाइपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल क्यों डेवलप होता है, किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल क्यों डेवलप हो जाता है, जी क्या वजह है कि किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल डेवलप हो जाता है। डाइपोल डेवलप होने का मतलब है पोल्स बन जाना, इनको इसको डाइपोल कहते हैं, एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाना और दूसरे एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाना, इसे डाइपोल कहते हैं, कहते हैं डाइपोल, एक पोल और ये दो दूसरा पोल, डाई डाई कहते हैं दो, तो ये डाइपोल डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो गया डाइपोल, या कहते हैं पोलैरिटी क्रिएट हो गई, क्या क्रिएट होगी पोलैरिटी, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया पोलर कवलेंट बॉन्ड बन गया डाइपोल। अब डाइपोल क्यों बनता है किसी मॉलिक्यूल में, क्यों ये डाइपोल बना है, क्यों हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ऐसा होता क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, यानी जो एटम ऐसा एटम जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कवलेंट बॉन्ड में, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन दो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और ऑटोमेटिकली दूसरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या आंसर देंगे आप, अ डाइपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ हेट्रो एटम आर इन्वॉल्व इन अ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल में हेट्रो एटम इन्वॉल्व हो तो जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छा, इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है, ये हमारे चैप्टर में तो नहीं है, बुक में तो इसकी हमें कोई नहीं बताया गया इंड्यूस्ड डायपोल के बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये क्या चीज़ होती है इंड्यूस्ड डायपोल। ये होता क्या है, द टेम्परेरी डायपोल, ये टेम्परेरी डायपोल होता है, आरसी तौर पर बनता है, अ टेम्परेरी डायपोल प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस ये पैदा होता है, बनता है किसके अंदर, इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आरजी तौर पे एक डाइपोल बन जाता है, अ टेम्परेरी डाइपोल, यहाँ लिखेंगे सॉरी, अ टेम्परेरी डाइपोल विच इज प्रोड्यूस्ड, एक आरजी तौर पे डाइपोल बनता है, एक आरसी डाइपोल विच इज प्रोड्यूस जो बनता है किसके अंदर, ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल, किसी नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल में बन जाता है, और बनता क्या है, बनता क्यों है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, द पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, डेफिनेशन तो ये आपको मिल जाएगी, नोट्स में भी लिखी हुई डेफिनेशन, मेरा आपने बात समझ नहीं हो क्या कह रहे हैं, क्या होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, आपको ये पता है कि जो नॉन पोलर होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पोल्स नहीं बनते, तो उनमें तो डाइपोल नहीं बनेगा, ठीक है, उन पर तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होते, लेकिन अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स असर में रहें पोलर मॉलिक्यूल्स के, अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स असर में रहें पोलर मॉलिक्यूल्स के, तो आरजी तौर पे उन पे भी एक, उन पे भी क्या होता है, एक टेम्परेरी तौर पे डाइपोल क्रिएट हो जाता है, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये देखें, अब ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब ये पोलर मॉलिक्यूल है, अगर इसके साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहे, कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, I2, कौन सा मॉलिक्यूल, I2, I बॉन्ड I, ये नॉन पोलर है, I2 नॉन पोलर क्यों है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ये होमो एटम्स हैं, एक जैसे एटम्स हैं, और हमने पढ़ा था अगर होमो एटम्स हो तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, जितना ये खींचता है उतना ही वो खींचता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ना इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता ना इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि होमो एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं, इसलिए कोई पोल नहीं बना इसके ऊपर, ना पार्शियल पॉजिटिव ना पार्शियल नेगेटिव। और ये देखिए HCl, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से क्लोरीन पे यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन पे, और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स है क्या, वो कह रहे हैं अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के असर में रहे, अगर कोई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, तो अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल के असर में रहे, उसके साथ रहे, उसके करीब पाया जाए, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें भी आरजी तौर पे डाइपोल डेवलप हो जाता है, उसमें भी आरजी तौर पे, मुश्किल नहीं, टेम्परेरी तौर पे एक डाइपोल डेवलप हो जाता है, उस डाइपोल को कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी देखें अब ये HCl पोलर मॉलिक्यूल है, अब इस पोलर मॉलिक्यूल के असर में अगर ये I2 रहेगा, तो I2 में भी आरजी तौर पे कुछ देर के लिए डाइपोल डेवलप हो जाएगा, कुछ देर के लिए, और ये तब तक होगा जब तक ये इसके पास रहता है, जैसे ही I2 इससे दूर जाएगा, जैसे I2 इससे
दूर जाएगा वो इंड्यूस डाइपोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इंड्यूस डाइपोल एक आरजी डाइपोल है जो तब क्रिएट हो जाता है जब नॉन पोलर मालिक्यूल पोलर मालिक्यूल के असर में रहे। तो एक आरजी तौर पर डाइपोल डिवेल्प हो जाता है, उस आरजी डाइपोल को कहते हैं इंड्यूस डाइपोल। जैसे ये दूर जाएगा ख़त्म हो जाएगा डाइपोल, ठीक है। और ये होता क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक क्राउड की वजह से। वो क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट करिए एच सी एल, अभी एच सी एल है इसके अंदर आई टू है, कि एच सी एल के जारी बात इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस अब इसके बाद आई टू जब आएगा ना आई टू, अब ये न्यूक्लियस आई टू के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जब एक पास आएगा आई टू इसके, तो ये जो न्यूक्लियस है ना एच सी एल का, ये आई टू के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, दूसरे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो है ना, दो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से ये टेम्परेरी डाइपोल डेवलप होता है। तो ये आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, हमारे मैंने नोट्स में आप लिखी हुई है, मैं नोट्स जो आपको सेंड किए हैं वहीं से आप ये याद करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, Why are dipole forces or attraction not found in halogen molecules? वो कह रहे हैं हेलोजन मालिक्यूल्स जो होते हैं, हेलोजन मालिक्यूल में डाइपोल क्यों नहीं बनता? हेलोजन्स कौन से होते हैं, एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू, ये हेलोजन्स हैं। तो हेलोजन में क्यों नहीं डाइपोल बनेगा, क्योंकि ये होमो एटम्स होते हैं। ये क्या है, होमो एटम्स। अब देखिए एफ टू, ये एफ टू है, ये सी एल टू है, इस तरह, तो ये होमो एटम्स होते हैं, सेम एटम्स होते हैं, तो इसलिए कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, डाइपोल नहीं बनता, क्योंकि जितनी इस एफ की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी इस एफ की है, जितनी इस सी एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी इस सी एल की है। तो ये एक ही पावर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हेलोजन्स पे कोई भी पोल डाइपोल नहीं बनता, क्योंकि हेलोजन्स जो हैं वो होमो एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। हेलोजन्स जो हैं वो होमो एटम्स एक जैसे एटम से मिलके बनते हैं, एफ टू होता है, ठीक है, सी एल टू होता है, बी आर टू आई टू, ये जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में। देखिए दो दो इकट्ठे जुड़े होते हैं, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में। तो डाई एटॉमिक फॉर्म में होने की वजह से, होमो एटम्स होने की वजह से डाइपोल नहीं बनता हेलोजन्स में। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एच सी एल मॉलिक्यूल। अब एच सी एल मालिक्यूल में कौन सी फोर्स या अट्रैक्शंस पाई जाती हैं जी स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है एच सी एल मालिक्यूल में कौन सी फोर्सेज ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एच सी एल मालिक्यूल्स। ये एच सी एल के देखिए तीन मालिक्यूल हैं, इनके दरमियान ये कौन सी फोर्स या अट्रैक्शंस पाई जाती हैं। हमारी बुक में दो ही हैं, उन्हीं में से एक आपने बतानी है। एक हमने पढ़ा है कौन सी थी, मालिक्यूल्स के दरमियान में दो तरह की हमारी बुक में हैं, मालिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो हमारी बुक में दो हैं, एक तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सी अट्रैक्शन एच सी एल के दरमियान, एच सी एल के दरमियान होती है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, क्या होती है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस पाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कंसीडर करते हैं एफ ओ एन वालों को, फोन वाले, जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जुड़े हों तो हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। तो इसमें जो है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है लेकिन उसको हम वीक कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं वीक। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, ये देखिए हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन है, दूसरा आइटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन की ज़्यादा, लेकिन ये एफ ओ एन में नहीं है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग तो इसे नहीं कह सकते लेकिन वीक है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसको हम कहेंगे क्या, हम इसे कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इसको कहेंगे, इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हु शो दीज फोर्सेज अमंग एच सी एल मॉलिक्यूल। ये आपने किया हुआ, डेफिनेशन भी आपको आती है और एच सी एल मॉलिक्यूल के दरमियान इस तरह आप शो करा देंगे ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन असल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये थी टेस्ट योर सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की नॉर्मली आपने क्या करनी होती है, आयनिक कंपाउंड और कवलेंट कंपाउंड्स, इनकी आपने प्रॉपर्टीज़ को याद करना होता है। क्या करना था, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ तो नेक्स्ट लेक्चर में आप याद करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं क्या। तो ये इंट्रोडक्शन है आयनिक कंपाउंड्स का, ये जस्ट आपके याद नहीं करना, जस्ट समझना है कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या। तो स्टूडेंट जब दो एटम्स हों, आयनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट अगर दो एटम्स हैं वो आपस में जुड़ गए हैं, दो एटम्स आपस में कंबाइन हो गए हैं स्टेबल होने के लिए। क्यों, आपको पता है एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, स्टेबल होने के लिए। यानी एटम्स चाहते हैं हमारी डुप्लेट या ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एटम्स जो हैं अपनी करीबी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन्हीं लिए स्टेबल होने के लिए एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे वो कंबाइन होते हैं। तो उनमें से एक मेथड आयनिक बॉन्ड, उनमें से एक मेथड क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में एक एटम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। अब जैसे NaCl है, अब NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। सोडियम के आखिरी क्षण में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम की ऑक्टेट भी पूरी हो जाती है, क्लोरीन की ऑक्टेट भी पूरी हो जाती है। तो जब ये दोनों आपस में इनकी दोस्ती हो गई, जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और इनमें दोस्ती हो गई और क्या बन गया, NaCl बन गया। अब NaCl के दरमियान में जो बॉन्ड है ये दोस्ती है, इस दोस्ती का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। इस दोस्ती का नाम है आयनिक बॉन्ड, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उस दोस्ती को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की वजह से जो एटम जुड़ गए, तो अब ये जो कंपाउंड बना है आयनिक बॉन्ड की वजह से, जब एटम्स जुड़ गए हैं कंबाइन हो गए हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो NaCl इज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें Na और Cl के दरमियान आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड मीन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन देखें, द कंपाउंड विच आर फॉर्म, वो कंपाउंड विच आर फॉर्म जो बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड इन बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो क्यों बनते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, इन बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl एंड KCl, तो ये डेफिनेशन याद कर लेंगे, एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास उसको थोड़ा सा देखेंगे आप, ये आपसे पढ़ लेंगे हमारी बुक में दिया हुआ है पैराग्राफ, जस्ट आपको बता रहे हैं क्या होता है। आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, एक नेगेटिव चार्ज आयन होता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पर प्लस वन चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस वन चार्ज। ठीक, तो जो भी आयनिक कंपाउंड होता है ना, आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैन दे कंसिस्ट ऑफ आयन एंड नॉट द मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ही पाए जाते हैं। ठीक, जैसे KCl भी है, KCl। अब KCl में पोटाशियम में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये आयंस बन जाते हैं। तो आयंस मौजूद होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, तो आयंस होते हैं। ठीक, ये दो आयंस हैं, ये जुड़ गए तो क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते। मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में। मॉलिक्यूल्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। यह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा,
कवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं। क्या दीज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, जो कैट आयंस होते हैं और जो एन आयंस होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, हेल्ड टुगेदर इकट्ठे पाए जाते हैं इन अ सॉलिड और अ क्रिस्टल फॉर्म विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो कह रहा है खास सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। यानी क्रिस्टल का मतलब ऐसा सॉलिड जिसकी खास शेप हो, ऐसा सॉलिड जिसकी खास शेप हो, तो उस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल मीन ऐसे सॉलिड जिसकी खास शेप होती है। द ऑर्डरली अरेंज ऑफ एन ए पॉजिटिव सी एन नेगेटिव आयंस इन अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड एज शोन इन द फिगर। वगैरह फिगर देखें, फिगर में आपको बता रहे हैं कि कैसे एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड में एन ए पॉजिटिव सी एन नेगेटिव आयंस जुड़े होते हैं। ये देखें क्रिस्टल, ये देखें, तो ये देखें ये खास एक शेप है। कहने का मतलब है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड या थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं। थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी जो आयनिक कंपाउंड है उनकी लंबाई भी होती है, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब चीज़ें होती हैं। तो एक्स वाई जेड एक्सिस में पाए जाते हैं, ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। उसके बाद क्रिस्टल लैटिस मीन ऐसे सॉलिड्स जिनकी खास शेप हो, ऐसे सॉलिड्स जिनकी खास किस्म की एक शेप हो, डेफिनेट ज्योमेट्री हो, उसको कहते हैं थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो आयनिक कंपाउंड थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में, ये देखें ये एन ए सी एल की थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। अब इसमें देखिए एन ए पॉजिटिव इस कलर में या सी एल नेगेटिव इस कलर में, ग्रीन कलर में और वो रेड कलर में एन ए पॉजिटिव। देखिए खास पैटर्न में जुड़े हुए हैं, ये खास पैटर्न में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो खास पैटर्न में जुड़े होते हैं, इस तरह पैटर्न होता है। तो ये क्यूब की फॉर्म में, डब्बे की फॉर्म में ये ऐसे होते हैं, ये क्यूब होती है, क्यूब होती है। हर कॉर्नर पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, हर कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जब इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो जाएं, एक है ये, ऐसे बहुत सारे देखे बॉक्सेस इकट्ठे हैं, तो जब ये एक खास किस्म के पैटर्न से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जुड़े होते हैं, तो यही ये पैटर्न ग्रो कर जाए, सिमिलर शेप में ग्रो कर जाए अगर पैटर्न, तो उसे क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिस्टल लैटिस। ये देखिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स आप देखिए बहुत सारे बॉक्सेस जुड़े हुए हैं, एक बॉक्स में देखिए हर कॉर्नर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उसके साथ दूसरा बॉक्स जुड़ गया, तीसरा बॉक्स, ठीक, स्केयर्स, ठीक, क्यूब्स, क्यूब्स की फॉर्म में ये बहुत सारे क्यूब्स हैं। तो इसे कहते हैं थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है सोडियम क्लोराइड की। तो आयनिक कंपाउंड जो है इस तरह खास शेप होती है उनकी, खास उनकी थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सारी बातें आप पढ़ लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आप जस्ट आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स याद कर लेंगे। ठीक, ये बाकी पैराग्राफ और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस तरह थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, जो मेन आपने याद करना है, जो बहुत अहम टॉपिक है आपका, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, चलो।